हे भगवान, इतना कुछ मैंने अपने चेहरे पे लगाया, ये रंग बिरंगे बाल भी लगाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या करेंगे हम। तो नानी, मैंने देखा था आप जोकर लग ली थी। ए चुप कर, तू होगा जोकर। तो नानी, प्लीज दोबारा तो मेरे को मत करना। अब चुप करेगा तू? बिल्कुल सही कहा, ये मेकअप एकअप से कुछ नहीं होता। अब समीरा को ही देख लो, हर रोज इतना सारा मेकअप से लिपापोती करती है, फिर भी उसे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि खूबसूरती इंसान के चेहरे पर नहीं, आंखों में होती है। और आंखों में खूबसूरती तभी दिखती है जब इंसान का मन साफ हो और दिल सच्चा हो। अब चलिए, आप सब लोग थोड़ी सी चाय पी लीजिए, हम उसके बाद सोचने बैठ के कि आगे क्या करें। मुझे नाश्ता लिखा था। क्यों काका? मेरा मन इसलिए नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता कि वहां पे मासी का हाल क्या है, गोपी कैसी है, बाबू खाना खा भी रहे या नहीं, उनकी हालत ठीक भी है या नहीं, इसमें मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। काका, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन खाना तो होगा ना। अगर हम ठीक से खाएंगे पिएंगे तभी हम तंदुरुस्त रहेंगे, और तभी समीरा और पिंकू को सबक से खा पाएंगे। और उससे ज्यादा काकी और बा को जेल से जल्दी रिहा करवा पाएंगे। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है जकीरा। चलो सब लोग कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हमें सोचना भी है कि आगे क्या करें। से भी करके हमें कोई लड़की ढूंढनी होगी जो इस प्रतियोगिता में शामिल हो सके। जो करना है वो तुम काम करो, और तुम्हारी सास को उसका काम करने दो। ए, जल्दी जल्दी काम निपटा दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ वापस, राउंड पे काम होना चाहिए, जल्दी करो। एकदम सॉरी, वो गलती से पैर लग गया, कोई बात नहीं, पानी तो अभी भी आ रहा है, फिर से भर लेना। सब समझ रही हूँ भवानी, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो, वरना एक और दूंगी। ये कोकिला मोदी तो जेल में भी अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी, बेचारी भवानी को कैसे मार रही है। गलत कह रही हैं आप, इन्होंने कम से कम 3-4 बार मैंने जो बाल्टी में पानी भरा उसको गिराया, इसलिए इन्हें सबक सिखाना अति आवश्यक था। ए, जल्दी से कोई वार्डन मैडम को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, इस कोकिला मोदी की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आज तो हम इसको सबक सिखा कर ही रहेंगे। हाँ, सिखा के रहेंगे।
ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने खुद देखा, माँ जी ने पहले कुछ नहीं किया, पहले भवानी परेशान कर रही थी और आप लोग इस भवानी की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? हाँ तू तो अपनी माँ जी की वकालत करेगी। आवाज बंद करो, क्या चल रहा है? चुप हो जाओ सब। अभी किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो आज खाना नहीं मिलेगा। भगवान कसम मैडम, हमने कुछ भी नहीं किया। ये कोकिला मोदी जब से जेल में आई है बेचारी भवानी को परेशान करती है और उसे काम भी नहीं करने देती है, तब जाके हम लोग आगे आए हैं। हाँ हाँ मैडम, ये कोकिला ने ही तमाशा शुरू किया था। इसने भवानी को थप्पड़ मारा। बता बता मैडम को मारी है कि नहीं? हाँ, मारा है। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। ये सब ये भवानी के साथ मिली हुई है, ये झूठ बोल रही है। माँ जी ने तो कुछ भी नहीं किया था। वो भवानी कब से माँ जी को परेशान किया जा रही है और तब माँ जी गुस्से में। झूठ मत बोल। क्यों रे, थप्पड़ मारा तूने? हाँ मैंने थप्पड़ मारा, लेकिन उसने। चुप हो जाओ तुम। एक तो गलती करती हो, ऊपर से बेचारी बनी का नाटक करते हो। तेरी इतनी हिम्मत? माँ जी क्या कर रही है? माँ जी ने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये सब झूठ बोल रही है। ए, गलती किसी की भी हो लेकिन ये जेल के अंदर तुम मारा मारी नहीं कर सकते, समझे? अरे लेकिन बस। एक शब्द और नहीं, तुम दोनों ने जो काम किया है ना उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। उसके लिए तुम्हें 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और ये सारे पानी के बर्तन है ना ये तुमको भर के रखने पड़ेंगे। क्या मुंह देख रहे हो? चलो अपना काम करो। सभी करके हमें कोई लड़की ढूंढनी होगी जो इस प्रतियोगिता में शामिल हो सके। म्यूजिक क्यों ऑफ किया? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम यहाँ पर योगा कर रहे हैं? ओ चूसी हुई आम की गुठली, तुम लोगों को जो करना है ना बाहर जाके करो। वैसे भी घर की शांति तो भंग की ही है, अब ज्यादा सर दर्द मत करो। जाओ जाओ यहाँ से बाहर कर। सो टिपिकल नानी जी, मुझे पता था कि आप लोगों को पावर योगा के बारे में कोई आइडिया नहीं है। And you, गवार पेट। तुम्हें सिर्फ झाड़ू पोछा करना आता है और कुछ नहीं। हाँ जिसे तुम पावर योगा कहती हो ना वो भारत की 5000 वर्षों पुरानी परंपरा है जिसे योग कहते हैं और हमारे घर में इस बात से सब अच्छे से वाकिफ है। और अभी तुम दोनों जो ये कर रहे थे ना इसे योग नहीं कहते। ऐसे कपड़े पहनकर पश्चिमी संगीत की ताल पर हाथ पैर ऐसे ऊपर नीचे घुमा देने से योग नहीं कहा जाता, योगा। सिता व्रति निरोध मतलब योग सिर्फ आसन और व्यायाम नहीं बल्कि ये उससे कहीं गहरी और आध्यात्मिक शैली है जिसका बहुत अहम हिस्सा है प्राणायाम यानी अपने श्वास पर काबू करना। पर इसके बारे में तो जाहिर सी बात है कि तुम जानती नहीं होगी, है ना?
और रही बात झाड़ू पोछा करने की, तो तुम एक बार करके तो देखो, उसके बाद तुम्हें अपनी अंग्रेजी कसरत करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पता है, मैं तुम्हारी अंग्रेजी कसरत है ना, आराम से कर सकती हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम मेरे जैसे एक कमरे में भी झाड़ू सफाई नहीं कर सकती। क्योंकि तुमने अपना फिगर तो बना लिया है, लेकिन अंदर से तुम बहुत खोखली। क्या हो? खोखली। ना पापा ना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे तू ही तो है सीता माँ, जो कर सकती है। और नहीं तो क्या, हम तो ऐसे मूर्ख थे जो शहर में ढिंडोरा पीट रहे थे और छोरी बगल में ही बैठी थी। तू चिंता मत कर सीता, तू एकदम टॉप की मॉडल लगेगी। नहीं नानी, अब देखिए ना, आपने खुद कहा ना कि मैं आपके एकदम सामने बैठी थी, और फिर भी आपको एक बार के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया। आप जानती है क्यों? क्योंकि ये सब मेरे बस की बात है ही नहीं। मेरा फैशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। सीता माँ बात को समझने की कोशिश कर। इस पिंकू और समीरा ने जो मुकुट पहना हुआ है ना दुनिया के आगे, उसको उतारने के लिए तुझे वो मुकुट पहनना पड़ेगा, तभी तू बता पाएगी उनकी असलियत क्या है। परिवार को बचाने के लिए तुझे उनके खिलाफ लड़ना होगा, लेकिन सीता बनकर नहीं, सिया सिया बनकर। नहीं नहीं काका, ये समीरा की तरह आधे अधूरे कपड़े पहनना, इतना सारा मेकअप, उसके जैसे उठना बैठना, खुलना चलना, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं समीरा के जैसे नहीं बन सकती काका। अरे सीता माँ, तुझे कौन कह रहा है कि तुझे समीरा जैसे बनना है? आज तुझे तो समीरा से भी अच्छा बनना है। तुझे पता है, जब मैं सिंगापुर गया था नाइजीरियन बनकर, तो वहां पे तेरी गोपी काकी भी मुझे पहचान नहीं पाई थी, ऐसा गेटअप लिया था मैंने। तुझे पता पिता में क्या लिखा, कि तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मुझ पे छोड़ दे। जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान पर यकीन करके युद्ध किया था, इस बात तुझे भी अपने काका पे यकीन करके ये लड़ाई लड़नी होगी। मुझे पता है कि जिंदगी कभी फैसले ऐसे होते हैं कि जो हमारी समझ में नहीं आते, लेकिन दिल को पता होता है कि मैं जो फैसला ले रहा हूं वो बिल्कुल सही है। कभी कभी दुश्मन को हराने के लिए ना दुश्मन जैसा बनना पड़ता है, उसकी चाल जैसी ही चाल चलनी पड़ती है। बस तुझे भी वही करना है, वैसे ही बनना है और अपने हुलिये को बदलना है। और तू पता है ना कि हमारे परिवार की हालत किसकी वजह से हुई, कुछ छुपा तो नहीं है ना? फिर और इंसाफ दिलाने के लिए ना हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है कि तू सिया बने। ठीक है काका, मैं सिया बनने के लिए तैयार हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखना तू एकदम मॉडर्न कपड़ों में ना एकदम हवा हवाई लगेगी। तेरे सारे कपड़े मैं खुद चुन्नी बाजार जाकर सब मटेरियल लेकर मैं बनवाऊंगी, टॉप में टॉप प्रिंट चुनूंगी मैं। हाँ। ओ मामी आंटी, तू माफ कर, मुझे ना इसको ना सिया बनाना, वो भी देसी वाली नहीं, एकदम इंटरनेशनल मॉडल, समझ गई? सिया कपूर। तो बस ठीक है, कल से तेरी कायाकल्प की विधि शुरू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।